good morning students today our topic is a tea party this topic have been taken from english class 7th so let's start to read this chapter and listen carefully अलाइस ए यंग गर्ल वंडर्स अबाउट इन वंडरलैंड वेयर एनिमल्स टॉक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स। एलाइस जो छोटी सी लड़की है वंडरलैंड में इधर उधर घूमती है वंडर्स इधर उधर घूमना थ्री एनिमल्स आर हैविंग ए पार्टी वेयर एनिमल्स टॉक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स जहाँ जानवर इंसानों की तरह बातें करते हैं और पेश आते हैं थ्री एनिमल्स आर हैविंग ए पार्टी तीन जानवर पार्टी कर रहे होते हैं अलाइस इज़ नॉट इन्वाइटेड बट शी ज्वाइंस देम, अलाइस को दावत नहीं दी जाती है लेकिन वो उनमें जाकर शामिल हो जाती है द बिहेवियर ऑफ़ द एनिमल्स एंड वट दे से टू अल इस वेरी अनयूजल उन जानवरों का बर्ताव बिहेवियर यानी बर्ताव और जो बातें वो इससे कहते हैं बहुत गैर मामूली होती हैं यानी अनयूजअल होती हैं टेबल वॉल सेट आउट अंडर ए ट्री इन फ्रंट ऑफ ए हाउस एक घर के सामने की तरफ एक मेज़ सजी हुई थी एंड अलाइस सा दार्श हेयर एंड दटर और अलाइस ने मार्च हेयर और हैटर को इस पर बैठे चाय पीते हुए देखा ए डरमाउस वाज सिटिंग बिटवीन दैम फास्टेस्ट स्लीप एक डरमाउस उनके बीच में बैठा हुआ था गहरी नींद सोया हुआ फ़ास्ट स्लीप यानी गहरी नींद सोना एंड द अदर टू वेयर यूजिंग इट एज ए कुशन और दूसरे दोनों इसे एक गद्दी यानी तकिए के रूप में इस्तेमाल किए हुए थे कुशियन मीन्स तकिया या गद्दी वगैरह और एंड टॉकिंग अवर इट्स हेड और उसके सर के ऊपर की तरफ बातें कर रहे थे वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर द डरमाउस डरमाउस बहुत बे आरामी महसूस कर रहा होगा अनकम्फर्टेबल यानी बे बे आरामी थाट एलाइस एलाइस ने सोचा पर हीप्स इट्स ए स्लीप आई सपोज इट डजेंट माइंड शायद वो सोया हुआ है मेरे ख्याल में उसे बुरा नहीं लग रहा होगा द टेबल वॉज लार्ज वन मेज़ काफ़ी बड़ी थी बट द थ्री बट द थ्री वेर ऑल क्राउडेड टुगेदर एट वन कॉर्नर ऑफ इट लेकिन वो सभी इसके एक कोने पर इकट्ठे बैठे हुए थे क्राउडेड यानी इकट्ठे बैठे हुए थे सुकड़े हुए थे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे नो रूम नो रूम कोई जगह नहीं है कोई जगह नहीं है दे क्राइड आउट वन दे सार एलाइस कमिंग वो चिल्ला कर बोले जब उन्होंने एलाइस को आते हुए देखा दे आर स्पलेंटी ऑफ रूम एलाइस एंगरली वहाँ काफ़ी जगह है एलाइस ने ग़ुस्से के साथ कहा

कुछ शराब लो हैव यानी लो कुछ शराब वाइन शराब लो हैव सम वाइन द मार्च हेयर सेड इन इंक्रेजिंग टोन मार्च हेयर ने हौसला अफजाई वाले अंदाज में कहा इनक्रेजिंग टून मीन्स हौसला अफजाई वाली आवाज़ अलइ लुकेड ऑल अराउंड द टेबल देयर वाज नथिंग टू बी सीन ऑन इट एक्सेप्टी अलाइस ने मेज़ के चारों तरफ देखा लुकिंग लुक इट ऑल अराउंड द टेबल मेज़ के चारों तरफ देखना यानी अलाइस ने चारों तरफ मेज़ के देखा देर वाज नथिंग टू बी सीन इट ऑन इट एक्सेप्टी उसे चाय के अलावा कुछ नज़र नहीं आया वहाँ पर आई डोंट सी एनी वाइन शी मार्केट मुझे यहाँ कोई शराब दिखाई नहीं दे रही है उसने कह दिया देयर इज एनी वहाँ कोई है ही नहीं सैड द मार्च हेयर मार्च हेयर ने कहा देन इट वॉज वेरी पोलाइट ऑफ़ यू टू ऑफर इट सेड अलाइस एंगरली तो फिर इसकी पेशकश करना कोई बड़ी हलीमी वाली बात नहीं थी यानी शाइतगी वाली बात नहीं थी अलाइस ने गुस्से के साथ कहा इट वाज वेरी पोलाइट ऑफ़ यू टू सिट डाउन विदाउट बींगटेड सेट द मॉर्च हेयर मॉच हेयर ने कहा तुम्हारे लिए भी बिना बुलाए यहाँ आकर बैठना कोई ज़्यादा हलीमी वाली बात तो है नहीं so students today our topic is stop here we will read continuing next class thanks